इन दिनों कांग्रेस की ओर से जन समस्याओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, जहां कांग्रेस नेता जोन क्रमांक 19 के वार्ड क्रमांक 75 और 76 में विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। यहां कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जनता की विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने संभाला मैदान। जोन क्रमांक 19 वार्ड क्रमांक 75 और 76 में प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। पार्षद सीमा मालवीय सोलंकी ने भी संभाला मैदान। वैसे तो पार्षद सीमा मालवीय सोलंकी समय समय पर जन समस्याओं को दूर करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर सरकार की नींद खोलने का काम करती हैं, लेकिन अब की बार पार्षद सीमा मालवीय सोलंकी के साथ सैकड़ों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जोन क्रमांक 19 पर पहुंचे और बाढ़ की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और पार्षद कुणाल सोलंकी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए कि जैसे जोन क्रमांक 19 वार्ड क्रमांक 75 और 76 आदरणीय हमारी बहन सीमा सोलंकी जी, छोटे भाई कुणाल सोलंकी जी दोनों पार्षद हैं यहाँ के, और बड़ी जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना, क्योंकि इंदौर शहर में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम है, भारतीय जनता पार्टी का महापौर और मध्य प्रदेश में सरकार भी इन्हीं लोगों की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से ये लोग काम करते हैं, और किस तरीके से अगर हम इन दोनों वार्ड की स्थिति देखें तो किस तरीके से अधिकारियों का रवैया भी पक्षपातपूर्ण है। यहाँ के जोनल अधिकारी महोदय जिनका सरकारी नंबर जो भी है वो 100% बंद रहता है। मैंने अभी उनके सामने फ़ोन लगा के बताया कि आज भी बंद है। बोले कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया। अरे भाई 10 बार लगाया, 10 बार कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है कि 10 को 10 बार जोनल अधिकारी का नंबर। मैं कमिश्नर मैडम से भी मुलाकात है हमारी, उस विषय में बात करेंगे। जैसे हम वार्ड क्रमांक 76 की बात करें तो 11 महीने के लगभग का समय हम लोगों को नई परिषद बने हो गए। आज 11 महीने में एक सिंगल काम चालू नहीं हो पाया। कुछ फाइलें बनी, कुछ टेंडर्स लगे, कुछ के वर्क ऑर्डर्स हुए। वर्क ऑर्डर हो गए तो काम होने की स्थिति नहीं है, ठेकेदार के पास पैसा नहीं है, बरसात का मौसम चालू हो चुका है, चारों तरफ कीचड़ का बोलबाला है, खंभों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, नगर निगम बोल रही है कि खाली पोल पे नहीं लगाएंगे, खराब लाइट नहीं लगाएंगे, तो क्या करेंगे फिर। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 29 गांवों को पंचायत से हटाकर नगर निगम में लिया क्यों? आज 8 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ये हमारे 29 गांव के लोग बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर है। सुविधाओं के नाम पे 0 है, 0/सन्नाटा है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर वार्ड 75 और 76 दोनों की समस्याओं को लेकर हमने सभी जोनल अधिकारी जी से, PHE के यही साहब से, सब इंजीनियर महोदय से, उद्यान वालों से, CSI सभी लोगों से बात करी और सब लोगों को 10 दिन का टाइम दिया है। पार्षद सीमा मालवीय सोलंकी ने हुंकार भरते हुए कहा कि यदि समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो आगे भी इसी तरह से कांग्रेस जनहित के लिए मैदान संभालेगी। ना तो कचरा गाड़ी समय पर आ पा रही है, ना पूरी गर्मी निकल गई है, एक भी टंकी पूरे वार्ड में अवेलेबल नहीं हुए। जो टंकियां 6 अवेलेबल करी गई है उन 6 टंकियों का कोई स्टैंड वगैरह कुछ नहीं दिया गया, इसलिए वो रखी हुई है। जहां पर देखो गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं। आज बारिश स्टार्ट हो गई है और मुरम और चूरी की आवश्यकता है, वो आज तक टेंडर लगाए हुए इतने दिन हो गए हैं, कुछ पता नहीं है। अमृत टू में होगा 2014 से लेकर आज 2023 हो गया है, लेकिन अमृत टू का कोई ठिकाना नहीं है। अमृत टू के भरोसे हम बाकी लोगों का जीवन जीना छोड़ दें क्या? लोगों की परेशानी है, बैक लाइन का कचरा इतना खतरनाक तरीके से भरा हुआ है सब जगह कि लोगों के घर के अंदर पानी से सींच कर आ रहा है, और वो उससे बाल्टियों से पानी बाहर निकल रहे हैं, वो भी ड्रेनेज का पानी। कैसे व्यापन करेंगे लोग अपना जीवन, ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। हमारे यहाँ पर जितने 19 उद्यान हैं, 2 कर्मचारी हैं उसके अंदर, 2 कर्मचारियों में 19 उद्यानों को कैसे देखरेख किया जाएगा? कैसे क्षेत्र का क्षेत्र के जो पेड़ हैं जो गिर जाते हैं, अभी बारिश में कई पेड़ गिरे हुए हैं आप देखेंगे तो, नीरनगर में गिरा हुआ है, कनाड़िया वाली रोड पर गिरा हुआ है, बिजोली अपसी की रोड पर गिरे हुए हैं, तो इन पेड़ों को उठाने के लिए एक एक महीना हो जाता है, तब तक कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर व्यवस्था है, वास्तु सिटी के रोड के लिए हम कितनी बार बोल चुके हैं, मानवता नगर के रोड के लिए हम कितनी बार बोल चुके हैं, ये आश्वासन तो पिछले 1 साल से दे रहे हैं। अगर ये अब आगे हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो बहुत
ताकत के साथ हम लोगों ने बैठकर हमारे जो कांग्रेस दल के पार्षद हैं, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, उन सब लोगों ने हमसे कहा है कि एक बार हम समझाइश दें, अगली बार अगर ये हमारी बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दिनों कांग्रेस की ओर से जन समस्याओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, जहां कांग्रेस नेता जोन क्रमांक 19 के वार्ड क्रमांक 75 और 76 में विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। यहां कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जनता की विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।